बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट हम नेम रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। सबसे पहला नेम रिएक्शन हमने पढ़ा था कैनिज़ारो रिएक्शन, और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्किंस रिएक्शन के बारे में। तो ये बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर खुद करना चाहूँ तो 5 से 6 मिनट के अंदर मैक्सिमम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन वो वीडियो 28 मिनट की तकरीबन अपलोड की थी, तो इसलिए अपलोड की उसके अंदर कि आपको एक एक छोटी छोटी बात आपको बताई गई कि अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं और आज आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की तब भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एक जो मुश्किल वर्ड बोला जाता है तो उस हर एक वर्ड की आपको जो है डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से बता दी गई कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, गेमा गेमा कार्बन, जिन चीजों की जरूरत है, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड क्या होते हैं, एक एक चीज के अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप चाहें तो जाकर अच्छी तरह से उसको पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। तो इसीलिए वीडियो लेंदी की थी। तो बहरहाल आप आज आपके सामने पर्किंस रिएक्शन लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कम वक्त में जो है आपके सामने से लाया जाए। तो बहरहाल पर्किंस रिएक्शन क्या होता है, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक पढ़ेंगे, जो जो कंडीशन होंगी पहले मैं उसे लिखूंगा, फिर इसके बाद हम रिएक्शन और लास्ट में हम मैकेनिज्म करेंगे, और मैकेनिज्म के अंदर भी आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है आसानी के साथ आराम आराम से। अगर आप चाहें, वीडियो अगर लंबी है, अगर आप चाहें तो इसको स्पीड टेस्ट करके जरूर देखें, इसको आज तक देखें, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज जो बेसिक होती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो इसीलिए देखा जाता है कि भाई जो जो चीज़ मुश्किल है सब के सब आपके सामने लाई जाए, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड मुश्किल यूज किए जाते हैं कि आपको कभी सर पढ़ाते वो यूज कर लेते हैं लेकिन बताया नहीं जाता कि ये क्या मतलब है। सिर्फ हम ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये वर्ड है, अब वो सुनकर हम रट्टा लगा लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि वो वर्ड क्या है। तो बहरहाल आपको यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर बता दी जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पर्किंस रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो बहरहाल पहले तो हम पर्किंस रिएक्शन की हेडिंग डालेंगे और इसके लिए जो बेसिक बातें हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा सबसे पहले। तो पर्किंस रिएक्शन आपका यहाँ पर आ गया, पर्किंस रिएक्शन, ठीक है। अब यह भी नेम रिएक्शन है, मतलब किसी ने किसी के नाम पर ये रखा गया पर्किंस रिएक्शन, तो बहरहाल जिनका है उसी के नाम पर ये रखा गया है। यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ आपको, पहले क्या आ जाएगा, इसका जो नाम है विलियम हेनरी पर्किंस। देखिए ये बेसिक चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, विलियम हेनरी यानी जिसका रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं कम से कम उसका नाम तो बताओ, ठीक है। अब विलियम से पता लगता है कि ये इंग्लिश केमिस्ट हैं, ठीक है ना, विलियम हेनरी पर्किंस जो है एक इंग्लिश केमिस्ट हैं, ठीक है। अब इनका कहना क्या, अब आते हैं अपन असल बात पर कि भाई ये विलियम हेनरी पर्किंस ने क्या करके दिखाया और क्यों करके दिखाया, ठीक है। तो बहरहाल इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो बात बताऊंगा वो यहाँ पर लिखूंगा, भी आप इसको देखते रहिएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पर्किंस रिएक्शन के अंदर जो इनके नाम पर रखा गया है, इन्होंने करा ये कि आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कंडीशन लिखूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने एक ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब सवाल आएगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, पहले आप वर्डिंग सुने फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है। इन्होंने ले लिया एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और साथ ही इन्होंने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर आप पहले नाम सुने, मैं आपको एक एक चीज़ की बात बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे इन्होंने क्यों एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह कहते हैं और क्यों एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया और साथ में उन्होंने इसको मिक्स कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड को, और किसकी प्रेजेंस में लिया ये सारा रिएक्शन, उन्होंने किया है एक कंपाउंड की प्रेजेंस में, एक सॉल्ट की प्रेजेंस में जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में इन्होंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, जिसके नतीजे में इन्हें क्या मिला है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड। ये क्या है सारी बातें बताऊँगा, परेशान ना होइएगा, अनसेचुरेटेड, ठीक है, एरोमेटिक एसिड। भाई देखिए मैं आपको अगर एक शॉर्ट वर्ड में बताऊं कि अगर आपसे कोई कहे कि आप पर्किंस रिएक्शन करते क्यों हैं, तो आपने क्या जवाब देना है कि हम पर्किंस रिएक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, सिनेमिक एसिड की प्रिपेरेशन के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं पर्किंस रिएक्शन, ठीक है। अब पर्किंस रिएक्शन करने का तरीका क्या, इन्होंने क्या किया था कि जिसके जरिए से इन्हें सिनेमिक एसिड मिला था, तो ये आपको मिला किस तरह, कि आपने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, आपको पता है एरोमेटिक वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर क्या हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। तो आपको पता है इसके जरिए से आपके जहन में फौरन ही ये नाम आएगा जो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, बेंजीन आएगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, एक फंक्शनल ग्रुप का एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड यूज हुआ होता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपके पास क्या गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड अटैच हुआ हुआ है किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, ये देखिए आपको पता है एसिटिक एसिड क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं CH3COOH, ठीक है। अब उसी की मदद से आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर बनाना है, वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ किस तरह बनाएंगे आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरह ले लूँ CH3, ठीक है, और ये आपके पास आ गया C
डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ठीक है। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप में बताया भी था कि आप एन हाइड्राइड ये नाम क्यों रखा है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ये आपको कहलाता है एसिटिक एसिड कहलाता है, ठीक है। अब आप क्या कर लें, टू टाइम्स आपने ले लिए एसिटिक एसिड। मैं लिखने का क्यों इस तरह लिखा है आपको बताऊंगा, ये मैं उल्टा क्यों लिखते हुए आ रहा हूँ इसकी वजह है, ठीक है। आप समझ भी जाएंगे अभी आसानी से। अब देखिए यहाँ पर के लिए आपने यहाँ पर एक एसिटिक एसिड लिया, टू टाइम्स आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। और लिखा क्यों इस तरह ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने करा क्या कि ये जो OH है, OH और H को यहाँ से आपने निकाल दिया, जिसको आप जानते हैं OH माइनस आयंस निकाले, और यहाँ से H प्रोटॉन्स आपने निकाल दिए, ठीक है ना, दोनों आयंस आपने निकाल दिए। और मतलब ये कि आपने यहाँ से किस चीज़ को निकाल दिया, यहाँ से आपने निकाल दिया वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, जिसके नतीजे में बना कि आपके पास देख लें, जिसके नतीजे में आपके पास कुछ ये बन रहा है CH3। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा लिखना ज़रूरी है ना, आपने समझना है। तो ये आपने लिखा किया CH3, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, बीच में O है, ठीक है ना, HOH सब कुछ निकल गया है, देख लीजिए वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या रहा, किया सिर्फ ऑक्सीजन रहा है, और यहाँ पर दोबारा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसे आप जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों एसिटिक, एसिटिक तो समझते हैं क्योंकि एसिटिक एसिड था ये, ठीक है। एनहाइड्राइड क्यों, एनहाइड्राइड इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की आपने क्या कर दी, कमी कर दी है, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से इसका नाम रखा जाता है एनहाइड्राइड, ठीक है। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप जो बताया था उसके अंदर अच्छी तरह बताया था, तो यहाँ पर भी आप समझ लें कि इसी वजह से इसे कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब याद रखना आसान है क्योंकि आपने दो एसिटिक एसिड लिए और बीच में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया। वाटर मॉलिक्यूल जब निकल गया तो फिर आपके लिए अब याद रखना मुश्किल ही नहीं है ना, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड के जरिए से इसको बनाया, टू टाइम्स एसिटिक एसिड लेकर, ठीक है। तो ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां पर आपको बताया कि ये आपने क्या लिया, यहां पर आपने लिया हुआ है सोडियम एसीटेट। एसीटेट आयन क्या होते हैं आपको पता है, CH3, ठीक है, सी डबल ओ, ठीक है, ये आता है एसीटेट आयन, ठीक है। सोडियम से आप समझते हैं कि सोडियम आ गया एड, ठीक है, तो सोडियम एसीटेट आपने यहां पर ले लिया जो कि एक सॉल्ट की प्रेजेंस में है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, देखिए यहाँ पर सिनेमिक एसिड जो है ना, सिनेमिक एसिड असल ये जो आपके पास परकिंस रिएक्शन है, ये कोई सिनेमिक एसिड की प्रिपेरेशन के लिए नहीं है, ये सिनेमिक एसिड तो एक डेरिवेट है, ठीक है ना। असल क्या मिलता है, असल आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। अब ये सारी बातें आपको मैं बताता हूँ। देखो एरोमेटिक एसिड क्या होता है, आप यहाँ पर ये पहचान जाएंगे कि मैं एरोमेटिक कंपाउंड बना देता हूँ आपके यहाँ पर, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया जिसे आपने समझ लिया कि भाई एरोमेटिक आ गया। एसिड क्या है, मैं लगा दूंगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। पहले मैं इसे यहाँ पर बना दूँ CH डबल बॉन्ड CH सी डबल ओ एच, ठीक है। इसे आप जानते हैं, देख लीजिए, ये तो आप समझ जाएंगे कि ये आपके पास आ गया एसिड आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया एसिड, ये आपके पास आ गया एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक आ गया, ठीक है। दो बातें तो हो गई कि एरोमेटिक एसिड होना चाहिए, आपने लगा दिया एरोमेटिक एसिड आ गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, देख लीजिए, आपको मैंने लास्ट भी बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होने वाला पहला कार्बन कहलाता है अल्फा, दूसरा कहलाता है बीटा, तीसरा कहलाता है गेमा। तो अल्फा तो पहले हमने काम लिया था, लेकिन यहाँ पर बीटा भी काम आया, ठीक है। क्या कैसे काम आया कि ये फंक्शनल ग्रुप है सी डबल ओ एच, ठीक है, एसिड, और उसके साथ अटैच होने वाला पहला कार्बन ये अल्फा है, दूसरा है बीटा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसे आप कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन है ना, अनसैचुरेटेड, जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है आप कहते हैं अनसैचुरेटेड है। तो अल्फा और बीटा के दरमियान लग रहा है डबल बॉन्ड, तो आपने कहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, आसान है ना। ये देख लीजिए, एरोमेटिक है, एसिड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर आपको असल क्या मिला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड की वजह से हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, ठीक है। असल यहाँ पर ये मिलता है, और फिर इसके बाद इसके डेरिवेट, इसके मुश्तक उसी से निकल, असल क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, इसी की ब्रांच उसमें से निकल रहे होते हैं। वो क्या क्या निकलते हैं, उसमें से एक मशहूर है सिनेमिक एसिड, जिसकी प्रिपेरेशन उन्होंने की थी, ठीक है। तो ये आसान सी बात है। अब इसकी कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि पहले क्या आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, उसके लिए आपने सारा काम किया, ठीक है ना, और एक एक चीज़ आपको बता दी गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी कंडीशन, यानी इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, आपने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए याद दिलाने के लिए लिखता हूँ, फिर रिएक्शन और लास्ट में मैकेनिज्म करेंगे। आप जरूर इसकी देखें आखिर तक, देखेंगे अगर आप इसकी स्पीड टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन देखें जरूर, ठीक। तो चलिए अब हम इसके लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई देखिए मिक्सचर तो होना, मिक्सचर ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो पहला मिक्सर आपको पता है क्या आएगा आपके पास, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको अभी भी बता दी गई बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसे हम जानते हैं, यहां पर पहली इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो एक तो ये हो गया, अच्छा जी दूसरी क्या चीज़ है इसके साथ, और किस चीज़ का होना चाहिए जिसके साथ ये मिलाया जाएगा। सेकंड आपको बताया गया अभी ये भी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपको अभी भी बताया मैंने, किस तरह बनाया जाता है, क्यों उसका ये नाम रखा गया, ठीक है। तो सारे सवालों के जवाब अभी अभी दिए गए। अच्छा जी और क्या होना चाहिए इसके साथ, और आपके पास एक सॉल्ट होना चाहिए
जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो सॉल्ट क्या था आपके पास, आपको अभी बताया सोडियम एसीटेट, आपने सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है जिसके अंदर क्या क्या सोडियम आयन और एसीटेट आयन आपने लिए थे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक बात अभी बता दूँ, फिर बाद में बताऊँगा कि ये जो आपके पास सॉल्ट है जिसके अंदर एक एसीटेट आयन है एक सोडियम आयन है, यहाँ पर जो एसीटेट आयन है आपको पता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज शो किया जाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसीटेट आयन पर नेगेटिव और सोडियम पर प्लस, ठीक है। तो जो एसीटेट आयन है वो यहाँ पर एज अ बेस काम करता है, किसकी तरह काम करता है, एक बेस की तरह। आपको यहाँ पर बता भी होगा लेकिन इंशाल्लाह बाद में बताया जाएगा कि ये जो आपके पास जो एसीटेट आयन जो है ना एज अ बेस जो ये काम करता है, बेस का मतलब होता है जो क्या करे प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचे, सही है। एक तो ये काम होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जो जाकर अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन को किस पर फेंक देता है, किस पर फेंक देता है और इलेक्ट्रॉन के जरिए से अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। तो सोडियम एसीटेट आपके पास जिसके अंदर जो एसीटेट आयन है वो एज अ बेस काम करते हैं, मतलब प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, सही है ना, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बेस की तरह काम करता है। अच्छा जी, और क्या यहाँ पर आपके पास मिलेगा, क्या यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फा बीटा, ठीक है, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना, एरोमेटिक एसिड। इसकी एग्जाम्पल क्या है तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो इन्होंने बताई है हमें सिनेमिक एसिड है। क्या है भैया? सिनेमिक एसिड है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, रिएक्शन तो आपको याद हो ही गया होगा कि आपने क्या करा, आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड को लिया प्लस आपने किसको लिया एसिटिक एनहाइड्राइड को लिया। और इसके यहाँ पर मैं सर ये बना भी देता हूँ अभी हाथ के हाथ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक अहम बात। ये आपने ले लिया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड को ले लिया जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा जी, प्लस आपने यहाँ पर कह लिया एसिटिक एनहाइड्राइड को लिया जिसे आप इस तरीके से जानते हैं। अब याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आपने किस तरह बनाया इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, यहाँ पर आपने किसकी चीज़ की प्रेजेंस रखी, एक सॉल्ट की प्रेजेंस रखी जो आपके आपके पास किस तरीके से होता है CH3CONa, ठीक है, COONa सोडियम एसीटेट आयन प्लस और ये माइनस, इसके जरिए आपके पास क्या आया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड जिसे आप जानते हैं सिनेमिक एसिड नाम से, ठीक है, ये आपके पास आ गया COOH, ठीक, ये तो आपको सारी बातें पता होगी ना। अच्छा जी, ये तो रिएक्शन है, इंशाल्लाह ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगा इस तरीके से, अगर वर्डिंग से याद रखें आप इसको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात यहाँ पर आती है कि ये इस तरीके से नहीं मिला, ये काम ऐसे आसानी से नहीं हुआ। इन्होंने परकिंस रिएक्शन जिसने किया था उन्होंने काम किस तरह किया, ये तो काम लिए, ठीक है ना, इन दो कंपाउंड को तो लिया, इसकी प्रेजेंस में लिया, ये मिल गया, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मिला है। इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन की है, यहाँ पर इस वर्ड की मैं आपको वजाहत करूँगा, अगर इसको छोड़ दूंगा तो फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया भैया, इन दोनों कंपाउंड की क्या की भैया, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पर इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ही, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मैं आपको बता दूँ कि एल्डोल और कंडेंसेशन ये दो वर्ड यूज़ किए हैं, इसका मतलब क्या है देख लीजिए। एल्डोल कहते हैं अल्कोहल, ठीक है ना, एल्डोल को अगर मैं यहाँ पर इसकी वजाहत करूँ तो इसमें दो वर्ड हैं, इसमें कितने वर्ड हैं, एक है एल्ड, ठीक है ना, एक है आपके पास एल्ड और एक है आपके पास ऑल, ठीक है। एल्ड का मतलब इन्होंने दिया हुआ है एल्डिहाइड, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है एल्डिहाइड, ठीक है, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल। ऑल से इन्होंने अल्कोहल लिया हुआ है और एल्ड से मतलब क्या लिया हुआ, एल्डिहाइड। अच्छा भाई, एल्डिहाइड अल्कोहल एल्डोल कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है आप जानते भी हैं इसको, कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ कि कंडेंसेशन मतलब ये होता है कि वाटर को आपने वहाँ से क्या कर देना है, निकाल देना है, ठीक है, किस तरह निकालना है ये अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो कंडेंसेशन है इसका मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को आपने वहाँ से निकाल देना है, अल्फा बीटा पोजीशन से निकालना होता है, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH यानी हाइड्रोक्सी, H और OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, ये बात आसान सी बात है। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्कोहल भी हो एल्डिहाइड भी हो, जिसमें अल्कोहल भी हो एल्डिहाइड भी हो, यहाँ पर अगर मैं इसकी वजह करूँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, लेकिन आपको एल्डोल कंडेंसेशन ये बता रहा हूँ कि ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्कोहल भी हो एल्डिहाइड भी हो उसकी आपने क्या करनी है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, OH वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो अल्कोहल भी हो उसमें से आपने क्या करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। आसान सी बात है ना, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करता हूँ, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो अल्कोहल भी हो उस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें, ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। आसान सी बात है, तो इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन की थी किस किस की, बेंजल्डिहाइड और नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और
एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों की क्या की थी इन्होंने, इस परकिंस ने इन्होंने इन दोनों कंपाउंड की एल्डोल कंडेंसेशन की थी कि इन्होंने HOH, यहाँ बताऊंगा आपको वाटर मॉलिक्यूल जब निकालेंगे तब बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा उसके अंदर एल्डिहाइड भी होगा अल्कोहल भी होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होगा, उसी लिए यहाँ पर इसका कहता है एल्डोल कंडेंसेशन की है। इसके रिजल्ट में आपके पास ये काम आया, क्या आया, सिनेमिक एसिड आया जो कि एक डेरिवेट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का, ठीक है। तो ये बातें ये भी आप नोट कीजिए। अब हम मैकेनिज्म करते हैं क्योंकि रिएक्शन हम कई दफ़ा कर चुके हैं, मैकेनिज्म करते हैं कुछ 6-7 मिनट में होगा वो भी, ठीक है। तो उसको आप देखें यहाँ तक लास्ट तक, बहुत बहुत शुक्रिया। करने जा रहे हैं मैकेनिज्म जो हमारा लास्ट स्टेप है, और बताया गया मैकेनिज्म के बारे में इससे पहले भी कि मैकेनिज्म आपके रिएक्शन का एक रीज़न होता है कि आप अगर कोई सवाल किया जाए कि भैया ये क्यों किया आपने, तो वो मैकेनिज्म आपको बताएगा, सही है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और रीज़न की तरह ही पढ़ेंगे कि रीज़न वाकई सवाल का जवाब मिलता नहीं मिलता। तो मैकेनिज्म के अंदर देख लीजिए, आपको मैंने आपको अभी भी पिछली बात याद दिलाऊं कि हमने यहाँ पर सोडियम एसीटेट हमने यूज़ किया है और मैंने कहा कि यहाँ पर जो एसीटेट आयन है वो एज अ बेस काम करता है, मतलब ये है कि वो प्रोटॉन से क्या करता है अपनी तरफ खींच लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ भैया, सोडियम एसीटेट जो कि इस तरह होता है कुछ, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लिख देते हैं C डबल O, ठीक है ना, इसी तरह होता है ना, ये सोडियम एसीटेट आयन है और एसीटेट आयन है, सोडियम तो नहीं यहाँ पर अटैच हुआ हुआ। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये जाकर प्रोटॉन को अपनी तरफ से खींचेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, अब किससे प्रोटॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर आपको पता है अपनी आपने बनाया था एसिटिक एनहाइड्राइड आपने बनाया था, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, ये आपने बनाया था एसिटिक एनहाइड्राइड, किस तरह बनाया था ये आपको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है कि देख लीजिए आपके पास, मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने ये वाला क्यों लिया, क्यों मैंने कोई नॉर्मल सा नहीं ले लिया। अच्छा जी, ये वजह है इसकी, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक शर्त लगाई गई है कि एसिटिक एनहाइड्राइड अगर आप लेते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ये एसिटिक नाम ही इसलिए कि यहाँ पर आपके लिए शर्त लगाई गई है कि आप जो एसिड लेंगे, जो एनहाइड्राइड एसिड लेंगे आप यहाँ पर, वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर उसके पास कितने होने चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए उसके पास। अगर ये बात, ये शर्त नहीं है तो फिर वो एसिटिक एनहाइड्राइड आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। ऐसा एसिड आपने नहीं लेना है कि जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, वो कौन से हैं देख लीजिए, ये आपके पास टोटल क्या कहलाता है, ये पूरा आपके पास पूरा फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा जी, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी क्या अल्फा कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 एटलीस्ट होने चाहिए। तो इन्होंने कहा हमारी ये शर्त पाई जा रही है इसलिए हमने इसको लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये कंडीशन आपको बताना जरूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसको मैं कुछ इस तरह लिख दूँ, ठीक है, ये तो आप पहचान गए ना कि अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिख दूँ कि 2, ठीक है ना, CH2OH, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखने का मकसद क्या है, लिखने का मकसद ये है कि ये क्या करेगा, CH3COO, ठीक है ना, यहाँ पर जो O नेगेटिव है ये जाकर प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आपको पता है कि ये क्या है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो एसिड है ना, एसिड एसिड का जो हाइड्रोजन है यानी एल्डिहाइड का या कि कार्बोक्सिलिक का, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये क्या करेगा, क्योंकि ये तो इसको तो बनना ही एसिड है, तो इसलिए ये ऐसे कोई खास एसिड को अपने पास क्या करेगा, एसिड हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा और सही एसिड बनेगा ना। तो बहरहाल ये क्या करेगा, ये जाकर इलेक्ट्रॉन अपने इस पर जाकर अटैक करेगा और इसको अपने पास खींच लेगा, सही ना, इसको इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक करेगा और अपने पास इसको खींच लेगा। अच्छा जी, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो गया, यहाँ से निकल गया और ये चला गया इसके पास, इसके नतीजे में ये जो आपके पास एसीटेट था वो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास ये H आ गया, आ गया H। अच्छा जी, ये H आ गया तो ये क्या बन गया, ये तो बताएं ये क्या बना, तो ये आपके पास कुछ यू बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकला है C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से कुछ भी नहीं हुआ, तो इसमें CH3, यहां पर CH2 और यहां पर साथ ही साथ एक नेगेटिव चार्ज आ गया जिसे अब हम कहेंगे कार्बेनियन आयन, ठीक है ना, कार्बेनियन आयन, ठीक है ना, आयन बन गया, ठीक है ना, कार्बेनियन बन गया ना, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के अब ये किसी भी पार्टिकल को क्या कर सकता है, ये अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अच्छा जी, एक तो ये बात समझ में आ गई, और साथ ही याद रखिएगा ये अब काम करेगा किसकी तरह काम करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जाकर किसी प्रोटॉन को, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, जाकर उसको।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मजीद हम आगे देखते हैं, देख लीजिए अब ये इसका काम हो चुका है, ये क्या हो गया एसिटिक एसिड बनकर निकल गया, साइड पे कर दें इसको, ठीक हटा दिया। अच्छा जी अब आपके पास ये आ चुका है, कुछ क्या आ गया आपके पास, अब ये कार्बेनियन आयन आ चुका है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए समझ इसको का कार्बेनियन आयन। अच्छा जी अब आप असल कंपाउंड लेंगे, आपको पता है कि आपका असल कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसे हम बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने बेंजल्डिहाइड बना देता हूँ। ये आपके पास आ गया, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर अटैक करवाने में। अब ये जो है ना नेगेटिव चार्ज, आपको पता है ये क्या करेगा, एक जाकर इलेक्ट्रोफाइल पर काम करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है क्या, ये तो पता लगे ना, इलेक्ट्रोफाइल है क्या, इलेक्ट्रोफाइल ये यहाँ पर आपको बताऊँ, देख लीजिए जब कार्बन और ऑक्सीजन का जब डबल बॉन्ड बना हुआ है तो कार्बन इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की तरफ क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बहुत कम है किसके मुकाबले में, ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है, तो इसीलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पार्शियल पॉजिटिव ये हमें बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन से लव करता है, ठीक है ना, ये तो बात समझ में आती है। ये मैं लिख देता हूँ ये क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और आकर इसकी हेल्प करेगा, मतलब इसकी जो जरूरत है वो इसको देगा, ठीक है, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जिसके नतीजे में कंपाउंड कुछ यूं बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये आपके पास है बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं हुआ, इससे अटैच हुए हुए कार्बन पर जो कुछ हुआ है, और यहाँ से अच्छा जी जब ये आकर इस पर अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जब आकर डोनेट करेगा तो बॉन्ड बना लेगा ना उसके साथ, बॉन्ड बनाने के नतीजे में जब ये बॉन्ड बनेगा तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड का है ये रहा, ये जो एक बॉन्ड इसमें सिग्मा है एक पाई है, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इसके नतीजे में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक अपना एक किसी और का यानी कार्बन का, कार्बन के साथ आगे अटैच हो गया, कौन अटैच हो गया कार्बन के साथ, कार्बन के साथ कुछ ये अटैच हो चुका है CH2, ये पूरा पूरा का पूरा कंपाउंड आकर अटैच हो चुका है, सी डबल बॉन्ड नीचे बना रहा हूँ ताकि आपको नजर आए सही, और ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, आसान सी बात है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मैंने इसीलिए दिखाया था ताकि मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा पूरे कंपाउंड को, ठीक है, कुछ कंपाउंड आपके पास ये आ चुका है, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड आ चुका है। अच्छा जी अब हम इस पर मजीद काम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, आप यहाँ तक जरूर नोट कीजिएगा इसको कि मैंने क्या किया हुआ है आपके सामने, ठीक है ना, एक एक चीज़ आपको बताइए, देख लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास नेगेटिव चार्ज कुछ नजर आ रहा है, अब ये नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन की जरूरत है कि नहीं, तो अभी अभी आपने एक कंपाउंड बनाया था, वो क्या बनाया था आपने, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ CH3COOH, ठीक है ना, ये बनाया था ना आपने, अभी भी बनाया था, एसिटिक एसिड बनाया था, सबसे पहला स्टेप ही हमने ये किया था, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर आकर अटैक करेगा और इससे प्रोटॉन को ले लेगा, सिर्फ प्रोटॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये हाइड्रोजन को लेगा अपने पास। अच्छा जी फिर ये बनेगा क्या, ये बनेगा कुछ यूं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास आएगा बेंजीन रिंग अपनी जगह पर, कार्बन अपनी जगह पर, इससे अटैच हुआ हुआ एक हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ठीक है, और साथ में जो ऑक्सीजन था वो अब बन चुका हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया है, क्या नहीं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया ना, इसमें जब एच आ गया, और फिर इसके बाद एक पूरा कंपाउंड अटैच हुआ हुआ है जिसको कुछ भी अभी फ़र्क नहीं पड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसे याद रखना नहीं है, इसे पहले स्टेप जब मैंने बनाया था एनहाइड्राइड, तो बस उसी से याद रहेगा आपको हमेशा, अगर आप उसको अच्छी तरह देख लें अच्छी तरह समझ लें उसे, ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरीके से कंपाउंड आ गया। अच्छा जी और ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा एसीटेट, दोबारा का दोबारा यही बन जाएगा COO-4, ठीक है, एसीटेट आयन बन गया दोबारा, पहले भी यही हमने लिया था उठाकर, फिर हाइड्रोजन इसको दिया था, दोबारा हाइड्रोजन से ले लिया, समझ लीजिए कि उधार रखवाया था, इसके बाद से ले लिया इसे। अच्छा जी कुछ देर के लिए इससे पास रखवाया था, ये आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंडर है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने अब आपने काम करना है, असल आपने काम करना है, ये स्टेप याद रखिएगा, ये किस तरह निकालना है आपने, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, मतलब यूं कहूँ आपको मैं कि यहाँ पर OL है, ठीक है ना, अल्कोहल मैंने कहा था OL है यहाँ पर। अच्छा जी यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड भी है तो क्या हो गया, ये एल्डोल हो गया, ये आपके पास एल्डोल है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा नेक्स्ट, यही एग्जांपल दोबारा लूंगा और दूसरी दो तीन एग्जांपल और उसका मैकेनिज्म भी आपको करवाऊंगा एल्डोल का, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पर आप कंडेंसेशन करेंगे, मैंने आपसे कहा था अल्फा बीटा पोजीशन से, अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से OH ग्रुप निकालना होता है। यहाँ पर आप देखिए ये आपके पास कुछ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच होने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, सेकंड कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है, असल फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है ना, याद रखना आप ये। अच्छा जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मैं अगर इसको इस तरह लिख दूँ, पहले जैसे लिखा था एक हाइड्रोजन यहाँ एक आपके पास यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, अलग अलग कर दिया, और यहाँ पर OH तो अलग से ही लिखा हुआ है, तो अल्फा से आपने क्या निकालना है,
अल्फा से आप निकाल रहे हैं हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, और बीटा से आप निकाल रहे हैं OH को। टोटली अगर देखा जाए तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं भैया माइनस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल आपने यहाँ से निकाल दिया। अब इसके नतीजे में आपके पास कुछ ये बन गया, आप देखें यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कंडेंसेशन की एक एक नाम याद रखें तो याद रहेगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। नाम याद रखें, बहुत आसान है, मज़े का है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा जी। यहाँ पर आपके पास कुछ कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप निकला है तो मतलब बॉन्ड बनेगा ना, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो बहरहाल यहाँ से एक H निकला है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया। अच्छा जी, और क्या है, और पूरा का पूरा कार्बन इसी तरह है, परेशान नहीं होना, ठीक है, पूरा का पूरा कार्बन, पूरा का पूरा कंपाउंड इसी तरह है, कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोक्सी निकला, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन फ्री बचे, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब मैं इन सारी बातों को जल्दी ले लूँगा तो आपको लगेगा कि यार बहुत छोटी सी वीडियो, जल्दी इसी देख लो, समझ में आ जाएगी ना सारी बातें। हालांकि ये वीडियो बड़ी तो बना रहा हूँ, लेकिन आपकी एक एक चीज़ को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, कि मैं देखूँ तो सही किन चीज़ों में परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन, आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एच और ओ एच को निकाला और अल्फा और बीटा पोजिशन से निकाला है। अच्छा जी, अब आपका सारा काम हो गया, आपको क्या बनाना था, बेंजीन रिंग सी एच डबल बॉन्ड सी एच, अब यहां पर आपको चाहिए सी डबल ओ एच, ठीक है ना, यानी आपको अब एसिड चाहिए, बाकी सारी बातें हैं, यानी एरोमेटिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अब सिर्फ क्या चाहिए आपको, एसिड चाहिए। एसिड आपके पास नहीं है तो एसिड बनाने के लिए हम यहां पर आसान से एक काम करेंगे, देख लीजिए आप, ये मैं अगर इसको यहां से तोड़ दूं, यहाँ पर आपने तोड़ना किस तरह है आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा एक्सेप्शन के अंदर वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर ओर्स वगैरह को जो हम निकालते हैं, एक उसमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर, एक बहुत ज़्यादा मशहूर भी है हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर के जरिए से हम क्रैकिंग कर रहे होते हैं, वाटर के जरिए से हम तोड़ रहे होते हैं, यानी हम इसको क्या करेंगे, यानी एक पागलपन भी है, इसको अभी यहाँ से वाटर निकाला और यहाँ पर इसको वाटर दे रहे हैं, आपके जहन में ऐसी बात आएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल आप इसको डोनेट करेंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल के जरिए से आप सिर्फ इसको डोनेट नहीं कर रहे, बल्कि इसके जरिए से आप इसकी क्रैकिंग कर रहे हैं, कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको पता है OH कहाँ जाएगा, जहाँ पर प्रोटॉन होगा, H कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। जब मेरी बात सुने, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन प्रोटॉन होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन होगा भैया प्रोटॉन। अब ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन होगा तो आपके पास पता है कि यहाँ पर प्रोटॉन जाएगा, सही है ना, यहाँ पर जाएगा प्रोटॉन, सही है, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, सही है, और OH किसके पास जाएगा, जो प्रोटॉन होगा इटसेल्फ, ठीक है, यानी यहाँ पर कार्बन है फिलहाल, तो कुछ यूँ बन जाएगा आपके पास एक कंपाउंड, और ये आपका आखिरी स्टेप था, बस ख़त्म हो गया ये। अच्छा जी, ये आ गया बेंजीन रिंग, कार्बन अपनी जगह पर, हाइड्रोजन इससे अटैच होने वाला अपनी जगह पर, डबल बॉन्ड CH भी अपनी जगह पर है। OH आपने किसको देना है, जहाँ पर प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन आपको पता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है ना, अभी भी बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड है यहाँ, तो और मजीद अलग सी बात हो गई, तो कार्बन पर तो प्लस चार्ज शो होगा ना, यानी प्लस चार्ज नहीं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो होगा, लेकिन जब बॉन्ड टूट जाएगा बीच में से, जब आप हाइड्रोलिसिस करके बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपके सामने, कि कार्बन पर टोटली पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन पर टोटली नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन एज अ प्रोटॉन की तरह हो गया, तो यहाँ पर जो OH होगा, जो कि प्रोटॉन लवर है, ये जाएगा प्रोटॉन पर आकर अटैक कर जाएगा और प्रोटॉन से अटैच हो जाएगा, तो ये कुछ यूं हो जाएगा ना, कार्बन और OH बन जाएगा। अच्छा जी, और कार्बन पर पहले से एक डबल बॉन्ड था, ठीक है, अब कार्बन पर आकर प्लस डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये क्या बना, इसको आप देख लें, यहाँ पर वही एसिटिक एसिड बन जाएगा, देख लें आप, ये यहाँ पर आप देखें CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, ये देखें, ये पूरा का पूरा मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है, जैसे आप एसिटेटाइन जानते हैं, और एक एच इसको जाकर मजीद मिल गया, तो ये बन गया आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमारा काम क्या था, हमारा काम असल ये था, जिसको आप जानते हैं सिनेमिक एसिड के नाम से। देर इसलिए लगाइए ताकि आपको एक एक बात समझ में, अगर चाहे आप अभी अपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की, तो मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, तो यकीनन आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बहरहाल ये कहलाता है सिनेमिक एसिड, एरोमेटिक रिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और ये एसिड है, तो इसीलिए इसका नाम रखा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, ठीक है। तो ये था आपके पास, ये एक डेरिवेटिव है, असल कंपाउंड जो हमें मिला है वो मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। तो ये सारा प्रोसेस था, अगर आपको ये समझ में आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती बातें, तो इंशाल्लाह उसे समझ में आ जाएगी इस तरीके से। और मजीद हमारे लेक्चर अपलोड किए, काफ़ी सारे नए रिएक्शन हमने इससे पहले भी एक किया था कैनिजारो, उसके भी टाइम इसलिए लगा ताकि आपको हर बात समझ में आए। तो बहरहाल यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।